Morning, good afternoon and very good evening. Most welcome the modern way to study. और मेरा नाम है मकसूद अहमद और आज हम देखेंगे एक्सपोनेंट क्या होता है. मैथ्स में एक्सपोनेंट या जो मैथ्स में होती है पावर वो क्या होती है उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे. अभी तक आप जो वीडियो में देखते आ रहे हो जितनी भी वीडियोस आ रही हैं वो सब बेसिक लेवल की वीडियोस हैं और बहुत ही छोटी छोटी वीडियोस हैं. ज़्यादा डिटेल में भी हम नहीं जा रहे हैं. अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा डिटेल मिले आपको तो आप कमेंट्स में कह सकते हो मुझसे, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा. तो फिलहाल के लिए अभी हम देखते हैं एक्सपोनेंट पावर क्या होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट्स को, तो चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे. तो पावर्स देख लीजिए क्या होती है कि एक्स की पावर ए, या ये भी कह सकते हो आप ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स. पावर का मतलब ये है कि एक नंबर होगा, यानी कि एक्स कोई नंबर हो सकता है तो ए भी कोई नंबर हो सकता है. तो एक्स कोई नंबर है, उसके ऊपर एक और दूसरा नंबर लिखा हुआ है छोटा सा. तो जो दूसरा नंबर ऊपर लिखा हुआ होता है एक और नंबर के, या किसी भी एक्स वाई जेड के, ए बी सी डी के ऊपर भी हो सकते हैं वो नंबर, उसके ऊपर जो नंबर लिखा होता है उसे हम बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट. तो इन सबका मतलब क्या है, तो ऐसे समझिए, सपोज कीजिए यहाँ पे लिखा है आपके पास 2 और 2 की पावर, यहाँ हमने दूसरा नंबर ले लिया है 3, थोड़ा बड़ा हो गया ये, थोड़ा ये, इसका मतलब है 2 की पावर 3 या एक्सपोनेंट है 3. तो पावर 3 का मतलब क्या है, यहाँ हमें 2 के साथ करना क्या होगा वो चीज़ समझनी है. देखिए ये जो 2 है इसका मतलब ये है, हम 2 को 3 टाइम्स जितनी इसकी पावर होती है या जो एक्सपोनेंट होता है जितनी भी पावर है इसकी 3 है, तो 3 टाइम्स लिखना है हमें 2 को. ये इक्वल होगा इसके, देखिए 2 को हमें 3 टाइम्स लिखना है, यानी कि 1 2 3, तीन बार लिख देना है थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ करके. और जितने भी 2 है इन सबके बीच में आप लगा दीजिए मल्टीप्लाई का निशान, ये रहा, यहाँ मल्टीप्लाई लगा दीजिए और 2 को 3 बार लिख दीजिए. अब ऐसा ही अगर आपके पास 4 लिखा हो, 4 की पावर हो 2, तो जितनी पावर है इसका मतलब है जितनी एक्सपोनेंट है उतने टाइम्स उसको लिख दो. 4 की पावर 2 है, यानी कि 4 को 2 टाइम्स लिख दो, 4 4, दो बार लिख दिया दोनों 4 के बीच में, एक बार मल्टीप्लाई का निशान, दोनों 4 के बीच में मल्टीप्लाई का निशान. इन सब का मतलब क्या होता है, मतलब ये है 2 की मल्टीप्लाई आपको 2 से ही करनी है, कितनी बार, 3 टाइम्स, 2 2 4 2 8. इसका आंसर होगा 8, इसका आंसर होगा 16, 4 4 16, ठीक है. चलिए थोड़ा दूसरा नंबर लेके देखते हैं, इसी एक्सपोनेंट को ज्यादा समझते हैं. 5 को ले लीजिए, 5 की पावर आपने ले ली 4, इसका मतलब क्या है, हम 5 को लिखेंगे मल्टीप्लाई में कितनी बार, 4 बार, 4 टाइम्स, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 5, ठीक है, हम 4 टाइम्स इसको लिख देंगे. अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनकी मल्टीप्लाई आपको ऐसा कर सके देख सकते हो, 5 5 की मल्टीप्लाई कितनी होगी, 25, मल्टीप्लाई से लगा दिया और 25. अब 25 की भी मल्टीप्लाई आपस में करनी है तो वो आपका आएगा 625, ठीक है. तो ये 5 की पावर 4 का आंसर हो जाएगा 625, ठीक है. तो जो एक्सपोनेंट होता है वो कुछ इस तरह से काम करता है कि जितने टाइम्स या जितना नंबर्स लिखा है एक्सपोनेंट का 3, तो जिसको ऊपर लिखा है उसको उतने टाइम्स लिख दो. 2 है, 2 को ऊपर 3 लिखा तो उसने 2 को 3 टाइम्स लिख दिया, बीच में मल्टीप्लाई लगा दी. 4 है, 4 को ऊपर 2 लिखा है तो 4 को हमने 2 टाइम्स लिख दिया, बीच में मल्टीप्लाई लगा दी. ऐसे ही 5, 5 को ऊपर 4 है तो 5 को 4 टाइम लिख दिया, बीच में हमने मल्टीप्लाई लगा दी. तो मल्टीप्लाई ही करना होता है, डिवाइड नहीं करना होगा इसके अंदर. कभी कभी डिवाइड भी आ सकता है. डिवाइड का मतलब क्या होगा, आपका एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा. अभी तो पॉजिटिव 3 है, नहीं, पावर जो हो सकती है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पावर आपकी नेगेटिव भी हो सकती है. एक चीज़ और याद करने वाली है, पावर टू और पावर 3 को दो अलग से नाम दिए गए हैं. हम इसे बोल सकते हैं 4 की पावर 2 और 2 की पावर 3, ये भी बोल सकते हैं, लेकिन इन दोनों पावर्स के 2 और 3 के बस अलग से नाम भी होते हैं. जैसे 4 का स्क्वायर, पावर 2 को हम बोलते हैं स्क्वायर,
और पावर 3 को बोलते हैं हम क्यूब। क्यूब और स्क्वायर होते क्या हैं ये अगली वीडियो में आपको पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए आप ये कह सकते हो 4 का स्क्वायर यानी कि पावर 2 और 2 का क्यूब यानी कि 2 की पावर 3, पावर 4, 5, इन सबका कुछ नाम नहीं है, हम इसको 5 के पावर 4 ही बोलेंगे, 5 के पावर 4, और 5 के पावर 5 भी हो सकता है, 5 के पावर 6 भी हो सकता है, जितनी बार आ जाएगा उतने टाइम्स हम उसे पावर कहके बोल देंगे। अब देखिए पावर जब एक्सपोनेंट आपका नेगेटिव आ जाए, तब क्या करना है, जब 5 था आपका, 5 की पावर 4 थी, यहाँ हमने नेगेटिव ले ली, 5 की पावर नेगेटिव 4, इसका मतलब क्या है, होगी तो मल्टीप्लाई ही। पावर नेगेटिव होने का मतलब ये होता है कि जब भी हम 5 को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हम इससे 5 को 1 के अपॉन में लिखेंगे, 1 के डिवाइड में, 5 की पावर, हमें पावर को पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो जब हम 5 को नीचे लेके जाएंगे तो ये जो एक्सपोनेंट है नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएगा, 5 की पावर पॉजिटिव 4 हो जाएगी, 5 की पावर पॉजिटिव 4 कैसे हो जाएगी, 1 के डिवाइड में ला करके, इसे थोड़ा सही करके लिख लीजिए, 1 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 4, ये रहा, तो ये ऐसा हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब क्या है, 5 तो वैसे ही है, हमें एक्सपोनेंट को पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलना था, तो हम इसको नीचे ले गए। ऐसे ही अगर 5 की पावर 4 लिखा है, आपको इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो ये 1 के डिवाइड में 5 के पावर नेगेटिव 4 हो जाएगा, ये दोनों इक्वल ही रहेंगे एक दूसरे के, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ही रहेंगे। पावर को अगर नेगेटिव बदलना होता है तो 1 के डिवाइड में ले जाते हैं, 1 के डिवाइड में जब ऊपर लाएंगे तो वो पॉजिटिव में चेंज होगी। अगर आपके पास ये लिखा है नेगेटिव 4, तो आप इसको लिख सकते हो 5 की पावर 4, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे भी होते हैं। अगर नीचे लिखा है नेगेटिव में, तो आप ऊपर ला करके उसको पॉजिटिव में बदल सकते हो, बस जरूरी नहीं है कि यहाँ 1 हो, कभी कभी आपका क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि आपका 2 डिवाइडेड बाई 5 की पावर माइनस 3 हो सकता है, ठीक है। तो जब आप इसको ऊपर ले करके जाओगे तो 2 को तो ऐसे ही लिखोगे, इसके मल्टीप्लाई में, डिवाइड से मल्टीप्लाई में कर दोगे इसे, 5 को डिवाइड में लिखा है अभी पावर 3, तो इसको मल्टीप्लाई में कर दोगे आप, तो 5 ही रहेगा, पावर 3 ये आ गया। यहाँ पर भी हम इसके 1 की मल्टीप्लाई में ही रख रहे हैं, लेकिन 1 की मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर से करो तो वही नंबर मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो उसका सही तरीका है लिखने का वो ये है कि 1 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 4, लेकिन 5 की पावर 4 की मल्टीप्लाई जब आप 1 से करोगे तो 1 आपको 5 की पावर 4 ही मिलेगा, तो इसलिए हम डायरेक्टली ऊपर लिखे हुए दिखा देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको वो क्वेश्चन ये वाला भी मिल सकता है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 6 की पावर 3 माइनस 3 ले लीजिए, माइनस 3, ठीक है, तो आपको ये कैसे लिखना है, आप इसको नीचे ले जाओगे तो ये जो एक्सपोनेंट है नेगेटिव है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 3, ये इसी के डिवाइड में पहुंच जाएगा नीचे, तो और पॉजिटिव बन जाएगा, तो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो ऐसे ही इसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, 5 की पावर माइनस 4, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगा किसके, 1 डिवाइडेड बाई जो कि अभी हमने देखा था 625, इसको 5 टाइम लिख सकते हैं, इसके डिवाइड में लिखेंगे देख लीजिए, चलिए थोड़ा सा और खुद दिखा देता हूँ, बड़ा करके लिख देते हैं इसको, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। तो अगली लाइन में क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 625, ये इसका आंसर हो जाएगा, 5 की पावर माइनस 4 का, डिवाइड में चलेगा ये, ठीक है। यहाँ इसके मल्टीप्लाई में क्या था, 5 के साथ कुछ नहीं था, जिसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता है उसके साथ मल्टीप्लाई में 1 होता है, जैसे कि यहाँ 1 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कितनी बार भी कर सकते हो, आपको आंसर वही मिलेगा। चलिए ये बात समझ में आई, छोटी चीज़ थी, ज़्यादा बड़ी चीज़ भी नहीं थी, नेगेटिव में हो तो डिवाइड में ले जाओ, 1 के डिवाइड में ले जाओ पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव हो तो 1 के डिवाइड में ले जाओ नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर हमें नेगेटिव में चाहिए तो। एक्सपोनेंट पावर एक ही चीज़ होती है, ऊपर को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, ये चीज़ का होती है एक्सपोनेंट, और ये जो हम बोलते हैं ये सब पावर भी कह सकते हैं, कि ये 5 की पावर माइनस 4 है, और जो 5 होता है ये तो है आपका एक्सपोनेंट, और जो 5 है वो आपका होता है बेस ऑफ लॉगरिथम, बेस ऑफ लॉगरिथम, इसे हम बेस बोलते हैं, या बेस कह दो सिर्फ, लॉगरिथम भी मत बोलो, इसे हम बेस बोल सकते हैं, ठीक है।
तो ये 5 आपका बेस है, तो इसका एक्सपोनेंट 4 है, वो भी नेगेटिव 4, एक्सपोनेंट इसका नेगेटिव है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब अगली वीडियो हम देखेंगे कि पावर 2 और पावर 3 जो होती है, इन्हें स्क्वायर और क्यूब क्यों बोलते हैं और इनका क्या यूज़ होता है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, क्वेश्चन कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए।